स्टूडेंट सपा बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे डाउट्स डिस्कस करने सी अज ठीक है। सो जिहड़े डाउट्स मैनू बच्चों ने भेजे हुए है उन्हां विचों पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 38 सेज व्हेन प्रोपायनिक एसिड इज ट्रीटेड। सो बच्चे पहला आपां प्रोपायनिक एसिड दा फॉर्मूला लिख लिया विद सोडियम बायकार्बोनेट NaHCO3 ठीक है। हुण पहला ऑप्शन्स नूं देखण तों पहला रिएक्शन पूरी करो बच्चे। देखो जिहड़ा एच है वह सोडियम नाल रिप्लेस हो जाऊ एसिड का, एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, अपने को सोडियम प्रोपायनेट बन गया प्लस सोडियम बायकार्बोनेट दे विचों वाटर ते CO2 हो जाऊगा आउट। सो हुण क्वेश्चन देखो द कार्बन ऑफ CO2 कम्स फ्रॉम, सो आ CO2 कित्थों आई है, सोडियम बायकार्बोनेट तो। सो आंसर आ गया अपना देखो मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथिलीन ग्रुप बायकार्बोनेट। सो आंसर की है डी ऑप्शन। सो 38 का आंसर आएगा बच्चे डी। सो 38 इज डी, क्लियर डन। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 ठीक है। इट सेज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फाइंड द प्रोडक्ट वाई। सो अपने कोल सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है की बच्चे। सो देखो अपने कोल दो कीटोन ग्रुप्स लगे हुए हैं बच्चे ठीक है ना। ठीक है आपने पहला इसकी की है बेस दे नाल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एसिड, उसके बाद आपने थायोनाइल क्लोराइड दे नाल इसनू ट्रीट किया है ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड दे नाल। सो हुण देखो जदों तुसी पहला इसनू बेसिक हाइड्रोलिसिस इसकी करोगे डन तो अपने कोल इथों ब्रेकडाउन हो जूगा ठीक है। ब्रेकडाउन होके अपने कोल इस तो सॉरी ठीक है पांच कार्बन है, एक तो कन्वर्ट हो जूगा इंटू COOH, दूसरा जिहड़ा हैगा वह भी कन्वर्ट हो जूगा इंटू COOH। सो अपने कोल हाइड्रोलिसिस होगी देखो पहला डन के नहीं ठीक है, उस तो बाद की होगा इन्हां दोनों दी अपने कोल दोबारा कंबाइन कर जाएंगे ठीक है, कार्बन एक शेयर हो जू, एक मॉलिक्यूल बन जूगा COOH, एक बन जूगा OH डन ठीक है। सो अपने कोल एक कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जूगी ठीक है ना। हुण जदों तुसीं इहदे विच थायोनाइल क्लोराइड पाओगे तो आपां नूं पता है थायोनाइल क्लोराइड की करदा हुंदा है, OH दी जगह ते Cl लैके आंदा है, तो देखो इन्होंने दो इक्विवेलेंट्स पाए हुए है तो दोनों OH दी जगह ते Cl कर दो, इदां दा प्रोडक्ट बनूगा। सो अपने कोल आंसर नहीं, सो इदां दी ऑप्शन है नहीं अपने कोल। सो अपने कोल जिहड़ा आवला कंपाउंड है इदां बनूगा बच्चे इत्थे OH ठीक है ना, COOH दे नाल OH इक्को कार्बन ते इत्थे जदों कंबाइन करांगे हाँ ठीक है, जिहड़ा आह वाला CO2 जदों आउट हो गया तां आ इत्थे जाके मिल जू, समझ गए ना, कार्बन दे नाल। सो इक OH ते इक COOH, सो जिहड़ा आह Cl है वो इहदे नाल अटैच हो जूगा। सो आंसर आऊगा अपने कोल सी ऑप्शन। सो एक कार्बन डिक्रीज हो गया, सो 39 विल बी सी, क्लियर हो गया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट डाउट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चे। नेक्स्ट इज 47 क्वेश्चन नंबर 47 देखो उन्होंने लिखा अपन कि अपने कोल कुछ इदां दा कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपां उसनू ट्रीट कीता विद लीथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। बच्चे ये तो डाउट आना नहीं चाहिए सी, आपां ने बहुत चंगी तरह किया सी, आपां ने कहा सीगा कि जिहड़े रिड्यूसिंग एजेंट्स हुंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੇਨੋਲ ਇਹ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਟ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਐਲਕੋਹਲ। ਸੋ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਸੋਰੀ 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 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ 47th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਰਾਜੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਈ ਐਸਿਡ ਰੈਡਲੀ ਗਿਵਸ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਅਪੋਨ ਹੀਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਅਤੇ ਮੈਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਹੈ ਏ ਪਾਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ? ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਸਿਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸ। ਜੋ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਟੈਰੀਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆ ਟੈਰੀਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰਥੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਜੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਸੋਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਟੈਰੀਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਓ ਐਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਐਡਜਸੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਾ ਓ ਐਚ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਚ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 48th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਤੇ ਆਓ ਬੱਚੇ। 51 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਐਸਿਡ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ PCl5। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ। PCl5 ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੁਵਰਾਜ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ PCl5? ਹਾਂ ਰਕਸ਼, OH ਜਾਊਗਾ ਤੇ Cl ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਪਲੱਸ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਫ੍ਰੀਡਲਕ੍ਰਾਫਟਸ ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦਾ ਐਚ ਤੇ ਦਾ Cl ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ COCH3 ਲੱਗ ਕੇ ਐਸੀਟੋਫਿਨੋਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਐਸੀਟੋਫਿਨੋਨ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ C2H5MgBr, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ ਵਾਲਾ ਓ ਹੈ ਉਹ ਓ ਐਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, CH3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਸੋ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੀ ਆਂਸਰ, 48 ਦਾ ਆਂਸਰ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 48 ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ 51 ਦਾ ਆਂਸਰ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ 52 ਰਜੇ। ਸੋ 52 ਸੇਸ
ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਨਾਈਲ COOH, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਸਿਡ ਆਪਣਾ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ। ਦੂਸਰਾ ਔਰਥੋਨਾਈਟਰੋ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਈਟਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਟਾ। तीसरा पैरा, एंड फिर है अपने कोल मेटा। ठीक है, हम देखो एक सिंपल जा फंडा, नाइट्रो इज एन इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, ते इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर नु वधाउंदे है। सो तिन्ना दी जेड़ी मर्जी अपने कोल ऑर्डर होवे, ए बेंजोइक एसिड नाल तो ज्यादा एसिडिक ने, सो सब तो घट आऊगा नंबर वन। सो सब तो घट नंबर वन वाला है, सो यानी कि देखो ए ते सी ता गेम चो बाहर हो गए, है कि नहीं? ए ते सी ता गेम चो बाहर हो ही गए ना, क्योंकि इन्हां च तो सब तो घट फोर ते थ्री है। सो अपने को दो ऑप्शंस बचियां बी ते डी, जिदे सब तो घट केड़ा है नंबर वन वाला। हुण आपां ए चेक करो कि इन्हां च सब तो ज्यादा केड़ा हुंदा है। हाँ जी, ऑर्थो सब तो ज्यादा एसिडिक हुंदा है, यानी कि टू सब तो ज्यादा, सो दोनों विच टू सब तो ज्यादा ही है। ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਥੋ, ਫਿਰ ਪੈਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਟਾ, ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਥੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ ਵਨ, ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ ਵਨ, ਸੋ ਡੀ ਆਂਸਰ। ਸੋ 52 ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਡੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਟੂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਥ੍ਰੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਨੰਬਰ। सो अपने को ऑर्डर हो गया एसिडिक करैक्टर का। सो नेक्स्ट कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55। 55th क्वेश्चन बच्चे की कह रहे हैं, अ प्योर डेक्स्टो रोटेटरी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद रेसमिक मिक्सचर ऑफ एन अल्कोहल कंटेनिंग वन कायरल कार्बन, द एस्टर फॉर्म्ड विल बी। चलो ये तो खैर स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो अपन लर्न ही करना पाऊगा। ठीक है ना बच्चे, जो आप डेक्सट्रो नू रेसमिक मिक्सचर नाल ट्रीट करांगे तो अपने को बनूंगा तो रेसमिक मिक्सचर ही। ठीक है ना, हुण ध्यान नाल देखो, नंबर वन इज प्योर डेक्सट्रो, सो आंसर है नहीं। देखो कन्फ्यूज ही नहीं करते अपन। नंबर टू प्योर रेसमिक, ये भी नहीं हो सकता, सो आंसर सी प्योर मीजो, ये भी नहीं हो सकता। हुण रह गए डी ते ई, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ डेक्सट्रो ते एक्सेस ऑफ लीवो। तो जो अपने को रिएक्टेंट डेक्सट्रो है तो आंसर आऊगा लीवो, यानी कि नहीं, अपने को डेक्सट्रो है तो डेक्सट्रो ही बनना चाहिए। सो 55th शुड बी डी। ठीक है ना, सो अपने को जो एसिड डेक्सट्रो सीगा तो एस्टर भी डेक्सट्रो बनूंगा, बट वो प्योर नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल अपने को रेसमिक मिक्सचर सीगा। डन, सो दिस इज द आंसर फॉर 55th क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हां जी, नेक्स्ट डाउट बच्चे 59 ते आओ। 59 सेज द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो बच्चे सौखा ही है, इहदे च की प्रॉब्लम आ गई। The ratio of carbon, hydrogen and oxygen in 2 methyl benzoic acid. So, देखो आप benzoic acid है, 2 methyl, ठीक है, benzoic acid. इत्थे आपने carbon, hydrogen ते oxygen दी ratio कढ़नी है, carbon, hydrogen, oxygen, ठीक है। हुण जरा देखो अपने कोल कार्बनस किन्ने हैं बच्चे इहदे च। सो कार्बनस अपने कोल हो गए 6 बेंजीन वाले ते 2 इधरों, सो 8। हाइड्रोजनस किन्ने हुए बच्चे अपने कोल, 1, 2, 3, 4, 5 + 3 = 8, ठीक है। ऑक्सीजनस आर 2, सो 4, 4, 1। पहला तो ये देखो ऑप्शन हैगी है, बिल्कुल हैगी है सी। सो 59 इज सी, तो बच्चे इजी सी का क्वेश्चन, जिन्हें भी डाउट पूछे है। ठीक है, हाँ जी,
Now come on to the last doubt for the session. Question number 6060. Dichlorobenzoic acid, apa edi nitration kiti hai, ta dasso apa nu nitration te product ki miluga. Idhar dekho zara. Dichlorobenzoic acid. Mononitration product. नहीं इन्होंने अपन आए दिता है कि नहीं दहां कोई पोजीशन भी नहीं दिती डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड दी अच्छा नहीं 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 ठीक है रे ठीक है देखो इन्होंने रिएक्टेंट पूछा केड़ा वही तो क्वेश्चन है भी केड़ा आ देखो रे बेंजोइक एसिड है अब पहला ऑप्शंस देखो आ बेंजोइक एसिड है जे अपन ने इसका डाइक्लोरो बनाना है तो देखो आ भी बन सकता है ठीक है आ भी बन सकता है पहला आपका दिमाग लग रहा होंगे युवराज आ भी बन सकता है आ भी बन सकता है ठीक है मेटा वाला चेक कर लो ये भी हो सकता है सो इन्होंने अपन एक कावला दिता हुआ है आहा वाला एक कावला ऑप्शन च एक आवला ते एक पहला ठीक है हुण इन्हां नूं क्या इन्हां ने अपन नूं क्या कि जो आप इहदी मोनोनाइट्रेशन करांगे तो अपने को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनूगा ठीक है हुण देखो रदे ओह किवें है जिहड़ा बेंजोइक एसिड है इट इज मेटा डायरेक्टिंग जिहड़े आ दोनों ने दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हुण देखो जे मैं इस सी एल नूं लैके चलां इस सी एल दे अकॉर्डिंग कित्थे कित्थे नाइट्रेशन पॉसिबल है ध्यान नाल देखो जां तां इत्थे इह तां पहले ही बुक है ते जां इत्थे सो एक प्रोडक्ट आ बन गया जे मैं इस सी एल दे हिसाब नाल चलां जां इत्थे ते जां इत्थे सो इत्थे भी बन सकदा है इत्थे भी बन सकदा है इहदे अकॉर्डिंग मेटा ते सो तीन प्रोडक्ट बन गए कि नहीं सो इह तां आंसर है नहीं हुण इहदे ते आ जाओ जे मैं इस सी एल दे हिसाब नाल चलां ऑर्थो जां इत्थे बनदा है या पैरा इत्थे सो इहदे नाल कल्ला पैरा बनूंगा कारण की है सेंटर वाले कार्बन दे उत्ते कदे भी सबस्टिट्यूशन नहीं हुंदी ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस ठीक है सिमिलरली आवला क्लोरीन पैरा इहदा बुक है एक ऑर्थो आही है एक ऑर्थो आवला सो आ बन गया ए मेटा डायरेक्टिंग है इहदा मेटा आ पिया सो इको प्रोडक्ट डन आंसर अपना निकलिया है सो 60 दा आंसर बी बी क्लियर है बच्चे ठीक है सो दिस कंप्लीट्स योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुण एक चीज ध्यान नाल सुन लो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद अमीन्स एंड डायजोनियम सॉल्ट्स आप पहला एल्कोहल्स फिनोल्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्हां सब दे टेस्ट लेने हैं ठीक है ना जिहड़े बच्चे ऑफलाइन आ रहे ने वह ऑफलाइन ही टेस्ट देंगे जिहड़े ऑनलाइन लगा रहे ने क्लासेस वह ऑनलाइन नो डाउट दे सकते हैं ठीक है ना क्लीयर बच्चे हो ठीक है तो एक चीज़ होर जिहड़े बच्चों ने हले तक भी फीस नहीं पे की बच्चे हो फीस पे कर दो हुण तां काफ़ी टाइम हो गया सारा सिलेबस थ्योरी च भी निबड़ गया मैनू इस चीज़ लई फोर्स ना करो कि मैं ऑनलाइन भी बच्चों के नेम लैके फीस डिमांड करा ठीक है ना मतलब दैट डजेंट लुक नाइस सो इसलिए तुसीं आपदे आप आपदी रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल फी पे कर दो बच्चे ठीक है सो इन्ना तुसीं कवर कर लेना एंड टेस्ट दी रिवीजन स्टार्ट कर दो थैंक्स अ लॉट